अलिपुरद्वार जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरू अनि सरकारबीच सोझो सम्पर्क स्थापित गर्न भारत सरकारको सूचना अनि प्रसारण मन्त्रालयको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो पीआईबी कोलकाताले शुक्रबार न्यू अलिपुरद्वारस्थित एउटा होटलमा मीडिया कार्यशाला वार्तालापको आयोजना गर्यो। कार्यशालाको उद्घाटन लोकसभा सांसद मनोज टिग्गाले गरेका थिए। कार्यशालामा विभिन्न समाचार पत्रका पत्रकार सहित जिल्लाका लगभग 60 जना मीडिया कर्मीहरूले भाग लिएका थिए। कार्यशालालाई सांसद मनोज टिग्गा, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकारका महानिर्देशक पूर्वी क्षेत्र टीवी के रेड्डीले सम्बोधन गर्दै कार्यशालाको उद्देश्य र केन्द्र सरकारले गरेका कल्याणकारी पहलहरूबारे जानकारी दिने काम गरे। यस अवसरमा एसएन चौधरी, अप्पर महानिर्देशक पूर्वी क्षेत्र, एडिजी पीआईबी कोलकाताका उपनिदेशक मीडिया अनि संचार अरिजित चक्रवर्ती, उप प्रेस रेजिस्ट्रार राजित चन्द्रन आदिको विशेष उपस्थिति थियो। कार्यक्रम अवधि एउटा रुख आमाको नाम अन्तर्गत वृक्षारोपण पनि गरियो। यस अवसरमा पत्रकारिताको सुधारमा पुर्याएको योगदानको निम्ति जिल्लाका दुई वरिष्ठ पत्रकारहरू रमेन दे अनि सुजित राईलाई सम्मान जनाइने काम भयो। সরকার যে কোনো সরকার হতে পারে, এক্স ওয়াই জেড যে কোনো সরকার হতে পারে, সরকারের যে কার্যক্রম আছে, সরকারের যে যোজনাগুলো আছে, কি কি যোজনা আছে, সেই যোজনা থেকে আমরা কি কি লাভ পেতে পারি। আর বিশেষ করে যে যোজনাগুলো সরকার শুরু করে সেটা কিন্তু গরিব মানুষের কথা মাথায় রেখে, যাতে গরিব মানুষ মেন স্ট্রিমে যদি আসতে না পারে তাহলে কিন্তু দেশ উন্নয়ন কিংবা রাজ্যের উন্নয়ন হতে পারে না। আজকে আমরা ফিফথ ইকোনমি, থার্ড ইকোনমির কথা বলছি, এটা তখনই সক্ষম হবে যখন মানুষের যেটা জীবনযাপন আছে সেটা আপলিফমেন্ট হবে, সোশিও ইকোনমিক পরিস্থিতি আপলিফমেন্ট হবে, তখনই আমরা সেই ফিফথ ইকোনমিক এবং থার্ড ইকোনমির কথা ভাবতে পারি। তাই যেটা পিআইবি যেটা যেটা খুব ভালো জিনিস, তাতে সরকারের যোজনাগুলো মানুষ কীভাবে লাভ পেতে পারে, কী কী যোজনা আমাদের জন্য আছে, সেটা যদি পেপার মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে সরকার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সেতু বন্ধনের কাজ করবে এই পিআইবি, এবং তার লাভ আগামী দিন মানুষ পাবে। এবং মিডিয়ারও আমরা লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়ারি, এটা সংবিধানে লেখা আছে, কিন্তু থার্ড পিলার, ফোর্থ পিলার হিসাবে কিন্তু আমরা মিডিয়াকে মনে করি যে সমস্ত জিনিসকে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যায়, যেটা জলের মতন পরিষ্কার। চার 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 যতা হেরা উতা নেই চার चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड मात्र चार डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 14 सितंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। मेरा भाई वेंटिलेशन में था तो 2 दिन में ही वो वेंटिलेशन से बाहर निकाला गया। यहाँ पे आने के बाद वो जलपाईगुड़ी में तो बोला था कि उसका कुछ चांसेस ही नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश जायसवाल, मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट की पोजीशन पर हूँ। ये पेशेंट मिस्टर तुषार मंडल, इन पेशेंट को बहुत सीवियर पैंक्रियाटाइटिस हुआ था और इसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास रेफर हुए थे, और हमने जब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि कंडीशन पेशेंट की वाकई में बहुत ख़राब है। सो इमीडिएटली हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर साथ में पेशेंट कोमा में चला गया था। सो ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट हमने साथ में स्टार्ट किया और पेशेंट पार्टी ने, फैमिली मेंबर्स ने हम पर ट्रस्ट किया और धीरे धीरे फॉर्चुनेटली पेशेंट की कंडीशन बेटर होने लग गई। और यहाँ के जितने सारे स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सारे काफी अच्छे है, कोऑपरेटिव है।